मैं आगे A1 टीवी से नीरज मेहरा जी से अनुरोध करता हूं कि अपना प्रश्न रखें। नमस्कार। नमस्कार सर। प्रशासन ने आबादी वाले इलाकों में क्वारंटाइन सेंटर बना दिए और उसके चलते लोगों में डर भी पैदा हो गया, संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया, जबकि शहर से दूर बड़ी संख्या में क्वारंटाइन सेंटर है। तो क्या आने वाले समय में, क्योंकि अब तक जो शिफ्ट हो गए वो तो हो गए संदिग्ध, लेकिन अब आने वाले समय में जो आबादी में क्वारंटाइन सेंटर बने हुए हैं उनमें नए लोगों को शिफ्ट नहीं करने की या मंशा रखते हैं? देखिए, क्वारंटाइन सेंटर जो है वो जगह जहाँ जो उपलब्ध है उस ढंग से और मैनेजमेंट हो सके साथ के अंदर, क्योंकि सब जगह पर खाना, नाश्ता, लंच, डिनर सबकी व्यवस्था करना और सभी जगह क्वारंटाइन सेंटर बनने लगेंगे। वो तो मैंने पहले भी कहा आपको, क्वारंटाइन सेंटर की आवश्यकता तब पड़ेगी जब लोग खुद जाना चाहेंगे, वरना अगर घर पे कोई रहता है तभी वो क्वारंटाइन में रहता है, जो जिसके घर में जगह है, सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, ये कोई हवा से फैलने वाली बीमारी नहीं है, ये कोई हवा से फैलने वाली बीमारी है नहीं कि वहाँ रहेंगे तो हवा फैल फैल के आस पड़ोस के अंदर सब जगह बीमारी फैल जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं होती। आपको मालूम है कि तो रिसर्च पूरी दुनिया में हो चुकी है कि किस रूप में फैल, इसीलिए 1 मीटर की 2 मीटर की बात की जाती है। इसलिए इसमें कोई घबराने की बात नहीं होनी चाहिए, सबको कॉपरेट करना चाहिए, सरकार भी सबकी सुविधाओं का ध्यान रखेगी। सरकार थोड़ी चाहिए एक मरीज भी क्वारंटाइन कारण बढ़े, एक मरीज भी नहीं बढ़े, ये सुनिश्चित करने का काम ही सरकार का है। हम चाहेंगे सब मिलकर के फैसले करेंगे और जो शिकायत आ भी रही है उस पर ध्यान भी देंगे, जहाँ जहाँ संभव होगा उन शिकायतों को दूर भी करेंगे। इस प्रकार से हम चाहेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और शिकायतों को दूर कर सकें। सर थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू नीरज मेहरा जी।